कैसा रंग का? वो अपने चारा चारा रंग का, हरे रंग का। हाँ। किधर है ये? यहाँ पर इस बोरी के नीचे देखा था हमने, एक बोरी हटाई थी। बोले के नहीं आएगी नीचे, आने बोरी की, आने बोरी, आने। पानी वाला सांप है। वो भाई नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। और इस वक्त मैं हूँ रेलवे कॉलोनी और यहाँ पर कोई सांप है, तो चलिए देखते हैं कौन सा सांप हमें मिलता है। तो दोस्तों सांप जो है इस बिल के अंदर गया है, अभी देखते हैं हमें क्या मिलता है। पानी वाला सांप लो, पकड़ो तो आप मेरे इस पे चला, आप मेरे ऊपर चलाओ। नहीं नहीं कोई नहीं, ओ बच गया। मोना दी आप हंसो मत, मेरे हाथ पहले कांप रहे हैं, यहाँ खड़े खड़े कांप रहे। वो तो सा पानी वाला है, तो फिर क्यों टेंशन? क्या पानी वाले क्या? पानी वाले सांप की इतनी क्या टेंशन? पानी वाला है तो मजे नहीं आएंगे ना। अरे मोना दी सुनहरी है पूरा। हाँ तो सुनहरी हम पानी वाले होते हैं यार, क्या दूझ रहे हो? क्या घबरा रहे मोना दी? मेरे को मेरे हाथ दूझ रहा, आप वीडियो बना लो ना। मोना दी मेरे हाथ दूझ रहे क्या कर रहे हो आप? ऐसे कौन डरता है? मोना दी मेरे धर्म। अरे तेज हो रही है, पकड़ दे पकड़ दे। मना दी मना दी काटने वाला नहीं है ये, काटते हैं पर जहरीले नहीं। ओ ये वाटर स्नेक है, पानी वाला सांप है, घबराने वाली बात नहीं, जहरीला नहीं होता है। और आसपास रहे तो भी कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ये चूहे और मेंढक को खाते हैं, जहरीला सांप नहीं है ये। काटते हैं और सांप काटता है तो नुकसान कितना होता है? इससे कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ काट लेते हैं बस। अगर काट भी ले तो टिटनस का इंजेक्शन लगा। तो दोस्तों भी आपने देखा किस तरह से इस वाटर स्नेक यानी कि चक्कर कील बेक को रेस्क्यू किया गया। और ये पूजा है, इन्होंने पूरा वीडियो शूट किया। तो दोस्तों भी आपने देखा किस तरह से रेलवे कॉलोनी से मैंने इस चक्कर कील बेक को रेस्क्यू किया। चलिए रिलीज़ कर देते हैं। हालांकि इन सांपों से कोई नुकसान नहीं है, हमारे घर के आसपास चूहे मेंढक छिपकलियों को खाकर ख़त्म करते हैं। और हम आप लोगों से यही बात शेयर करना चाहते हैं कि कोशिश करिए कि इन सांपों को रहने दें, क्योंकि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो चलिए दोस्तों रिलीज़ करते हैं इसे।
कोई दिक्कत नहीं, पकड़ो जेंटली पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं, डरो मत, डरो मत, अरे डरो मत, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठ जाओ नीचे। नॉर्मल सांप है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। और आप देखिए विकास हैं, इन्होंने स्नैक को कैच कर रखा है और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सांप बिल्कुल भी विषैला और जहरीला नहीं होता। और यही बात हम बार बार सभी को बताना चाहते हैं। थोड़ा सा डर लगता है जब शुरू शुरू में किसी स्नैक को रेस्क्यू किया जाता है या पकड़ा जाता है। इस सांप से डरने की ज़रूरत नहीं है और ये घरों के अंदर रह सकते हैं, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। नॉन वेनमस स्नैक होता है, बिल्कुल भी विषैला और जहरीला नहीं होता। और चूंकि अभी ठंड का टाइम है तो ये अमूमन जो है धूप सेकने के लिए जो है बाहर आ जाते हैं। हालांकि ये सांप किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और बहुत ही सीधा सांप हम इसे मानते हैं। और आप सभी तक बस यही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं कि इन सांपों को मारे नहीं क्योंकि ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। तो दोस्तों फिलहाल अभी मैंने इसको कैच कर लिया और वापस अभी हम मुक्त भी कर देंगे। ट्रिंकेट है ना, ट्रिंकेट अभी तो मैंने नहीं, तो इसको डरने, इससे तो डरना ही नहीं चाहिए। मुझे तो छिपकली से भी डर लगता है, तो बुखार आ जाता है मुझे इनको देख के। नहीं नहीं, ये सांप बिल्कुल भी विषैला नहीं होता। हिंदी में अलंकार सांप, इंग्लिश में ट्रिंकेट स्नैक। और ये सांप नॉन वेनमस स्नैक है, बिल्कुल भी विषैला नहीं होता और ना ही इससे घबराने की ज़रूरत है। ये सांप घरों के आसपास ही रहते हैं और ज़्यादातर नाइट के समय जो है ये सांप ज़्यादा एक्टिव दिखता है। सुबह भी इस सांप को रेस्क्यू करने की कोशिश की गई थी क्योंकि उन्होंने एक पिक्चर ले ली थी और मैंने उन्हें बता दिया था कि ये बिल्कुल भी विषैला सांप नहीं है, इसलिए उन्होंने इसे जो है कैच कर लिया। और आप लोगों से भी यही विनती है कि सांप को देख के मारे नहीं बल्कि समझने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप सांपों को पहचानेंगे उतना आपका डर कम होगा।